बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं हार्दिक पांड्या का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। बांग्लादेश की पूरी टीम के टास को पत्तों की तरह बिखेर रख दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम कांच के टुकड़ों की तरह बिखर कर रह गई, जहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जो युवराज सिंह न कर पाए, वो भारतीय टीम के तूफानी दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने कर दिखाया। जी हां, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के कई गेंदबाज सूर्य और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अपने बल्ले को लहराते बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। दो टी20 मुकाबले लगातार हारने के बाद तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तीसरे टी20 के मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव की ओर चौके और दो आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन जायसवाल को आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन ले लिया अपने स्ट्राइक शुभमन गिल ने अपने पास रखी और यहां पर आप सभी को बता दें दूसरे ओवर की पांचवी बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तूफानी विस्फोटक तरीके से यहां पर आप सभी को बता दें 14 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर गगनचुंबी चौका यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने ठोक दिया। यहां पर जायसवाल ने आप सभी को बता दें तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक रन लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी, लेकिन शुभमन गिल को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। जब तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन शुभमन गिल कैच आउट का सामना कर बैठे। अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। अभिषेक शर्मा काफी घातक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के ठोक दिए तो वहीं चौथे ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथे ओवर की चार गेंदों पर लगातार तीन छक्के और एक चौका ठोक दिया तो वहीं पांचवें ओवर की छह गेंदों पर लगातार तीन छक्के तीन चौके अभिषेक शर्मा ने ठोक दिए। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर
ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और यहाँ पर सातवें ओवर की पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड को लेकर के भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब क्लीन बॉल्ड हो गए और 31 रन ठोकर के आउट हुए। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर ऋषभ पंत ने एक चौका ठोक दिया, सातवें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दी और अभिषेक शर्मा ने सातवें ओवर की पाँचवीं बॉल पर छक्का ठोक दिया और सातवें ओवर की छठी बॉल पर एक चौका ठोक दिया जहाँ पर 10 रन यहाँ पर शुभमन गिल के बाद अभिषेक शर्मा ने बटोर लिया। अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं भारतीय टीम को 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर झटका लगा जब 38 रन ठोकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हुए। 38 रन 22 गेंदों पर 38 रन ठोक दिए और यहां पर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें यहाँ पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और 10वें ओवर की आप सभी को बता दें यहां पर छठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हुए। 28 रन ऋषभ पंत ने ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। महज 7 गेंदें खेली और 28 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। ऋषभ पंत ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते मैदान पर कोहराम मचा दिया। दोस्तों जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए यहां पर 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि सस्वी जायसवाल शुभमन गिल ऋतुराज गायकवाड़ अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारतीय टीम में सनसनी सी छा गई। लेकिन फिर मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इसका दर्द होया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। जी हम बात करने वाले हैं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुमती 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं। तो वहीं 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर हार्दिक पांड्या 31 रन ठोकर के आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो बड़े से बड़े गेंदबाजों का रिकॉर्ड पलभर में तोड़ देते हैं और बल्लेबाजों को का रिकॉर्ड भी पलभर में तोड़ देते हैं। रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी से भी आप समझो तो आगे निकल चुके हैं क्योंकि यहां पर गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित विराट ने भी सलाम ठोका। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व में किसी भी बल्लेबाज ने ओपनिंग की हो और मतलब कि आते ही 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोके हो। रिंकू सिंह ने कमाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 36 रन ठोक दिए। रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं सूर्य कुमार यादव काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों का सामना करें तो करें कैसे। आप सभी को बता दें रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके फिट ठोक दिए। यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुंबती 6 छक्के फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डट
कर बल्लेबाजी करते रहे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार दौड़कर सूर्या रिंकू का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रिंकू और सूर्या के बल्ले में ऐसा कोई जादू तो नहीं है जो बॉल छूते सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके फिर ठोक दिए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे सूर्या रिंकू के आगे, क्योंकि हर एक गेंद पर छक्के चौके से बरसात हो रही थी और हर एक गेंदबाज का करियर खत्म हो रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर गए थे। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर रिंकू सिंह ने ठोक दिए और हमारे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कमाल की विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने की उतरी और भारतीय टीम की तरह तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की उम्मीद से उतरी तो बांग्लादेश की टीम को पहले ओवर में यहां पर दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने एक झटका दे दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर सिर्फ 8 रन दिए और दूसरे ओवर पर यहां पर एक विकेट भी रवि बिश्नोई ने झटका दिया। वहीं तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक विकेट यहां पर आवेश खान ने ले लिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डट कर गेंदबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ढेर कर रहे थे। बांग्लादेश का एक बल्लेबाज जो काफी तेजी से बल्लेबाजी कर रहा था, जो मैदान पर काफी उतावला था, उसको तो यहां पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लपेट दिया, क्योंकि यहां पर 6वें ओवर की 4थी बॉल पर यहां हालांकि छक्का उसने एक ठोक दिया मोहम्मद सिराज के ओवर में, लेकिन मोहम्मद सिराज ने गुस्से में आकर उसको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वही हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए कमाल कर दिया और 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट छटका दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। 9वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश के यहां पर 4 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरीके से ढेर हो चुके थे। बांग्लादेश की टीम के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव प्रेशर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने बना दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम अब यहां पर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था फंस चुकी हो, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज जब 10वां ओवर लेकर गए तो 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। जब 11वां ओवर लेकर गए यहां पर जसप्रीत बुमराह गए तो लगातार 2 छक्के और 4 चौके ठोक दिए। जब हर्षदीप सिंह यहां पर 13वां ओवर लेकर गए तो लगातार 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए कमाल कर दिया और यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और उन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट लिया, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यहां पर मोहम्मद सिराज ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और 18वें ओवर तक जाते आते पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीत लिया।